क्रिकेट आणि त्याभोवती फिरणारी एक काल्पनिक कथा, त्यातूनच फुलणारी प्रेम कहाणी, या साऱ्या गोष्टी पाहता त्याच आधारे साकारला गेलेला द जोया फॅक्टर हा चित्रपट प्रेक्षकांची पसंती मिळवणार अशा अपेक्षा सुरुवातीपासूनच होत्या. अभिनेता दुलकर सलमान, सोनम कपूर ही नवखी जोडी या चित्रपटाच्या निमित्तानं सर्वांच्याच भेटीला आलीये. पाहुयात हा चित्रपट प्रेक्षकांना कसा वाटलाय. जोया फॅक्टर हा मतलब इनिशियली थोडी बोगस थी, बाकी उसके बाद इंटरेस्टिंग हो गई थी. तो अभी पर इंटरमिशन तक हम लोग छोड़ के आ गए, मतलब क्योंकि हम लोगों को और जाना था. अदरवाइज हाँ, इट्स अ नाइस मूवी, वन शुड वॉच इट. सोनम कपूर हाँ ठीक है, पर वो जो हीरो है वो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सोनम कपूर से. तो सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? सॉन्ग्स अच्छे हैं, अभी तक एक ही सॉन्ग आया था बस, तो सॉन्ग्स अच्छे हैं. ऑसम. सोनम कपूर की और एक्टिंग सबसे बेस्ट थी. फनी एंड क्रिकेट एंड ऑल अबाउट हार्ड वर्क. सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? लाइक पेप्सी का पेप्सी सॉन्ग इज द बेस्ट. नहीं ये पूरा नहीं सुना ना. आउट ऑफ फाइव. या आउट ऑफ फाइव पांच मिनट कितना स्टार्ट करेंगे? हां फाइव. अच्छी लगी. क्या खास बात लगी तुमको फिल्म में? सबसे ज्यादा खास ये था कि जो लकी चार्म वाला जो थ्रो था वो ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और जो उसका मेहनत भी करनी चाहिए बस. ये सोनम कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और वो जो हीरो है उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. फ्रेंड्स को देना चाहेंगे वापस, जब फ्रेंड्स को वापस आना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए? ज़रूर. क्या फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है कि फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है? पसंद आया मुझे. सोनम कपूर भी अच्छे लगे, और वो जो हीरो थे वो भी अच्छे लगे. उनकी पर्सनालिटी मुझे दिल पे छू गई, पूरी फैन हो गया मतलब मैं. एक्टिंग वाइज किसका एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छा? दोनों 50-50. दोनों अच्छे अपने अपने कैरेक्टर में, दोनों अच्छे थे.